मंजूर नहीं है हमको ये जमीन, पसंद ही नहीं है, यहाँ कैसे बसेंगे हम? भले हम तो डूब जाएंगे, नर्मदा मैया में समा जाएंगे, पर हटेंगे नहीं। ग्राम सोंदुल जो कि सरदार सरोवर बांध की 110 मीटर की ऊंचाई पर डूब प्रभावित है। सोंदुल में कुल 653 परिवार डूब प्रभावित है, जिसमें कि 40 परिवारों को गुजरात में जमीन मिली है तथा 42 परिवार जो कि शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश है जिनको कि पुनर्वास का लाभ मिलना है तथा 3 परिवारों को मध्य प्रदेश में जमीन मिली है। सोंदुल गाँव के लिए पुनर्वास स्थल गाँव से 3 किलोमीटर दूर सोंदुल बसावट जो कि 2003 में बनाई गई। आगे उनके लिए संघर्ष की घड़ी है क्योंकि 31 तारीख को लोगों को हटाने का जो सरकार का दबाव तथा जो चल रहा है वो एक प्रकार से अन्यायपूर्ण है। तो 31 जुलाई में अपन कोई गांव उठने वालों है नहीं, क्यों नहीं उठी रहो कि हमारी इस व्यवस्था कुछ 1% की नहीं है नहीं, वहाँ पर जाइना ना अपन देखा था हमारा जो सरकारी भवन से लगाई ना तो कोई पानी की व्यवस्था है ना सरकारी भवन में खंडर पूरा बनेल छे लोग ना कि ग्राम पालिया पंचायत सोंदुल पंचायत एक लगे तो ग्राम पालिया का ढोर वसी रहा है नहीं, तो वहाँ और ओके बाद में पहाड़ क्षेत्र में मतलब कई अपन बसावट कर दी तो बसावट को पहाड़ क्षेत्र में कसो रहना हमने, अगर पत्थर भी वधरे तो घर ना पाओगे ना, अगर वहाँ चोर मार भी आओगे तो हम खेत हमारे यहाँ आई गए। आज 10-15-20 साल हो गए तब तक तो हमको उठाया नहीं, मुआवजा दिया जब भी उठा देना था, एक घर भी बसावट में नहीं बना है, अभी तो पूरे के पूरे यहीं पर है, खेती बाड़ी यहाँ है और उसको मतलब दूसरी जगह पलाट देंगे तो क्या वहाँ बच सकता और वहाँ से आके खेती कर सकता, ऐसा तो होता नहीं नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये इधर नीचे नीचे डूब में है, इधर डूब में नहीं बता क्या, तो अब ये सामने वाला मकान मतलब डूब में बता रहा, ऊपर वाला ये भवन डूब में नहीं है, यहाँ से इन्होंने लाइन डाली है, शासन आए थे, SDM साहब वगैरह सब आए थे, कम से कम 200 आदमी की टीम आई थी, उन्होंने मतलब ये सर्वे किया और ये यहाँ से ये पत्थर पे ये देखो उन्होंने लाइन हुई है, उन्होंने ही डाली। अभी तक गाँव के लोगों को हटाया नहीं गया है, फिर भी सबका भविष्य अनिश्चित है क्योंकि पता नहीं सरकार फिर कब दबाव डालकर गाँव के लोगों को हटाना तथा गाँव खाली करने की कोशिश करेगी। तो आप भी आगे क्या चाहते हो? हमको अच्छी बसावट होना, रोड साइड से नाली है, पानी है, बिजली है, जो भी सुविधा है हमको पर्याप्त सब सुविधाएं होना और मकान बनाने के लिए पूरी राशि भी होना, फिर से हमारा निराकरण किया जाए। अब 15 साल में ना आज की महंगाई में कितना फर्क, 150,000 का मुआवजा दिया तो उस समय ख़त्म होगा, आज तो 150,000 रुपये उसको कुर्सी हाइट में लग जाएंगे तो मकान कहाँ से बनाएंगे हम, अभी बांध के गेट नहीं लगाने देंगे। मैं चाहता हूं कि बसावट में पहले संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे कि विस्थापित डूब से बच सके। बड़वानी जिले के पुनर्वास अधिकारी श्री VS गोहा, जिनका मोबाइल नंबर है 9425460521, पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं पवन सोलंकी, ग्राम अवलदा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।